रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपके ख्याल में पाकिस्तान को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? तो हम सबको मिलजुल कर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, तंजीम और अपने ईमान की अकीदे की पुख्तगी करनी है, अकीदे को पक्का करना है हमारा। अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। अगर इश्क रसूल है तो उस पर अमल करें। मेहनत में अजमत है। हमारे कायद आज़म ने पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क देखना चाहते थे, तो मैं और आप मेहनत करके सच्चे असूलों पे चल के ही पाकिस्तान को ताकतवर बना सकते हैं। तो आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस के सवालात कर रहे हैं। सबट्रैक्शन ऑफ 100 tens and 1s, 100 tens और 1s में पहली प्रॉब्लम है 267 minus 143। तो हमने इस तरह कॉलम्स में इसको लिख लिया, 100 tens और 1s। तो सबसे पहले हम 1s को लेंगे, तो 7 में से बैकवर्ड काउंट करेंगे 3, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 1s के नीचे हम 4 लिख लेंगे और फिर 6 में से बैकवर्ड 4 काउंट करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। और फिर 2 में से बैकवर्ड 1 काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 124। 267 minus 143 is equal to 124। तो आप कॉपी पेंसिल लेके एक नंबर लाइन अपनी कॉपी पे लगाएं और ये प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व करते जाएं। अब हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, 987 minus 672। तो इसी तरह हमने 100 tens और 1s के कॉलम बनाए और इनके अंदर हमने आसानी के लिए ये रकम लिख ली। अब हम पहले 1s को लेंगे, हम 7 से नंबर लाइन पे बैकवर्ड 2 काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5। उसके बाद हम 8 से बैकवर्ड 7 काउंट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, हमने 1 लिख लिया। और फिर आखिर में हम 9 से बैकवर्ड 6 काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3। तो इसका मतलब है कि 987 minus 672 is equal to 315। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 798 minus 365। तो हमने इसी तरह 100 tens और 1s के कॉलम बना लिए, इसमें हमने 798 minus 365 लिखा। तो सबसे पहले हम 1s को लेते हैं, हम 8 में से 5 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा नंबर लाइन पे, हमने 1s के नीचे 3 को लिख लिया। फिर हम 9 में से 6 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो फिर भी हमारे पास 3 आता है, हमने 10s के नीचे 3 लिख लिया। और अब हम 100 में से 7 में से बैकवर्ड 3 काउंट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 798 minus 365 is equal to 433। उसके बाद हम आगे अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमने पहले सीख चुके हैं बारो करना या उधार लेना, तो ये हमारे पास है 317 minus 165। तो हम इसी तरह 100 tens और 1s लिखेंगे। तो पहले हम 1s को लेते हैं, 7 में से स्टार्ट करते हुए बैकवर्ड 5 काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हम 1s के नीचे 2 लिख देंगे। अब हम आगे देख रहे हैं कि एक जो है वो 6 से छोटा है, तो अब हम जो है 1 जो है वो 100 से बारो करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो हम और 3 से एक हमने बारो किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब हम 11 में से 6 माइनस करेंगे, तो 11 में से अगर हम 6 बैकवर्ड काउंट करें तो हमारे पास 5 आ जाता है नंबर लाइन पे, तो हम 10s के नीचे 5 लिख लेंगे। और क्योंकि हमने एक बारो कर लिया था तो हमारे पास 2 में से 1 बैकवर्ड काउंट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 317 minus 65 is equal to 152। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 324 minus 157। हम इसी तरह 100 tens और 1s के कॉलम बनाएंगे और इसमें 324 और 157 लिख लेंगे। तो पहले हम 1s को लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 4 इज लेसर देन 7, तो हम 10 से 1 बोरो करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो 10s में से हमने क्योंकि एक बोरो कर लिया तो हमारे पास 2 की बजाय 1 रह जाएगा। तो सबसे पहले हम 1s में से
14 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 से बैकवर्ड 7 काउंट करेंगे तो हमारे पास 7 रह जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टेंस में हमारे पास 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो अब हम 100 से एक बोरो करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और 11 में जब हम 5 बैकवर्ड काउंट करते हैं 11 से तो 6 आता है, और क्योंकि हमने एक बोरो कर लिया था तो 2 में से हमारे पास 3 में से हमारे पास 2 रह गया, और 2 में से बैकवर्ड 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। तो इस जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया 167, 324 माइनस 157 इज इक्वल टू 167। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।